चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलिए कुछ लोग आ रहे हैं अभी। दे आर वेरी फ्यू पीपल। चलिए तो हम पढ़ाई शुरू करते हैं। ये मैं पढ़ लिया था, मैं सिर्फ रिवाइज करने के लिए जब तक लोग आ रहे हैं। कि जब भी आप हिल स्टेशन में जाते हैं तो जाने से पहले आप थोड़ा सा होमवर्क करते हैं, आप स्कोप को पढ़ के जाते हैं और उसके अंदर कन्फाइन रहने की कोशिश करते हैं, कस्टमर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इन दिस एरिया। फिर आप फिजिकल रिसोर्स को कंट्रोल करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंस रूम, फॉर एग्जांपल वाइट बोर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एलोकेट करवाते हैं उस मीटिंग के लिए। इस तरह से जो लोग हैं उनको आप टाइम ले लेते हैं, स्कोप भी हो गया, लोग भी हो गए, लेकिन जो बातें पूछनी है उसको पढ़ के जाना, उसके क्वेश्चंस तैयार करना, उसके मॉडल तैयार करना, ये सारा होमवर्क आपको ये मीटिंग वाले दिन या वक्त आपको कंट्रोल कराने में, फोकस कराने में और प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेने में मदद देता है, ठीक है। तो आप ये जहन में रखिए कि आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट लेना, टाइम से लेना, टाइम पे ख़त्म करना, ये बहुत पहला माइलस्टोन है जो सक्सेस की तरफ है। अगर रिक्वायरमेंट सही नहीं है या वक्त पे ख़त्म नहीं हुई है तो ये सारा प्रोजेक्ट आगे चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो दो हफ्ते जो भी, ठीक है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा कर चुके हैं, ये हम आज पढ़ेंगे कि फॉलो अप आफ्टर द लिसिटेशन, उसके बाद क्या करना चाहिए। जो कुछ आपको मिला है वो जैसे जैसे उसके दिमाग में बातें आ रही होंगी वो बता रहा होगा। But you need to organize the notes and share. Share इसलिए होता है कि आप इसको validate कराते हैं, ठीक है? उसको आप दिखा के पूछते हैं कि कोई चीज miss तो नहीं हुई और फिर कोई चीज open तो नहीं रह गई थी, ठीक है? तो हम देखेंगे open issues क्या होते हैं, जो चीज उसने मुकम्मल नहीं की थी और कहा था कि मैं बताऊंगा, तो आप नोट कर लेते हैं कि बताऊंगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया था बस रिवीजन के लिए कि जब भी आप मीटिंग में बैठे हुए हो तो आपको मालूम होना चाहिए ट्रेसेबिलिटी, आपको मालूम होना चाहिए स्कोप। आई एम श्योर अब ट्रेसेबिलिटी का वर्ड जो है वो फेमिलियर हो गया होगा और हमें समझ में आ जाएगा कि बिजनेस रिक्वायरमेंट से ट्रेस करेगा, यूजर रिक्वायरमेंट से और यूजर रिक्वायरमेंट से ट्रेस करेगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट से, ठीक है। तो जो फंक्शनैलिटी हम दे रहे हैं उसको ट्रेस बैक करना चाहिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव से। अगर वो ट्रेस बैक नहीं हो रही है तो समथिंग इज नॉट वैल्यूएबल, समथिंग इज नॉट अलाइन्ड विद द बिजनेस, ठीक है। तो स्कोप भी बताओ और ट्रेसेबिलिटी बताओ। फिर ये रिसोर्स आपकी मीटिंग रूम, वाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर्स, वॉइस रिकॉर्डर, ये सारी चीजें। प्रिपेयर द क्वेश्चन, ठीक है। तो जितना प्रिपेयर्ड होके आप जाएंगे उतना आप सवाल पूछ पाएंगे, नीट निकाल के लाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन निकाल के लाएंगे जिससे सॉफ्टवेयर बन सकता है, ठीक है। इस लेक्चर के शुरू में जो एक डिस्कशन था कि बताओ क्या बनाना है, उसने बता दिया था, उसने कहा इससे तो सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता है, ठीक है। फिर आखिरी चीज जो प्रोबिंग लिखी हुई है, ये आपका काम है एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर बिजनेस एनालिस्ट। आप वैल्यू पर्सपेक्टिव से जाते हैं, प्रोब करते हैं, सवाल करते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस दैट शुड मेक सेंस कि हम ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही कह दिया है तो ये ऐसे ही सॉफ्टवेयर नहीं बनता है, देयर हैज टू बी अ रीजन, ठीक है। तो ये आपका काम है। ये हमने पढ़ लिया था, ये एक अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है स्ट्रॉमैन, जिससे आप इंटेंड करते हैं डिस्कशंस को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। चलिए अब ये परफॉर्मिंग इलस्ट्रेशन एक्टिविटीज, अब ये क्या करना है, हमने सवाल करने हैं, ठीक है।
टीच स्टेक होल्डर अबाउट दी रजिस्ट्रेशन अप्रोच. जब आप पहुंच गए तो आप क्या करेंगे, अपना तारुफ कराएंगे और अपनी मेथडोलॉजी का तारुफ कराएंगे, मैं कौन हूँ और मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं कैसे पूछूंगा, मैं कैसे नोट करूंगा और मैं कैसे आपसे वेरीफाई कराऊंगा, ठीक है. तो ये 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ये करने से अजम्पशन खत्म हो जाएगा और कोई कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है. ये ऐसे ही है कि कोई टीचर आके क्लास में तारुफ कराए और फिर बताए कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं आप कैसे सवाल कर पाएंगे, ड्यूरिंग लेक्चर नहीं कर पाएंगे, सवाल नोट कर लें, जो भी तरीका कार है वो बता देगा, बच्चों को समझ में आ जाएगी, कोई अजम्पशन नहीं है, कोई वो नहीं है. तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि हम क्या करेंगे, कैसे सवाल पूछेंगे, दरमियान में आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे. तो ट्राई टू एजुकेट, क्यों, उसकी एजुकेशन की वजह यह है कि वो शायद रोजाना सॉफ्टवेयर नहीं बनवाता है, उस अपने काम में एक्सपर्ट है और आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं, लेकिन उसको टीम में शामिल करना, उसको कोलैबोरेट कराने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसको बता देंगे प्रोसेस, तो एजुकेट हो जाएगा, ठीक है. तो इससे बहुत सारे मिसकंसेप्शन खत्म हो जाते हैं और सारी चीजें, ठीक है. फिर उसको एक टेक्निक्स बताएंगे थोड़ी सी, मींस है ताकि फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं या कुछ क्वेश्चन आयर भेज रहे हैं या कोई और चीज कर रहे हैं तो आप उसको बता देंगे कि दिस इज द टेक्निक और क्यों, ठीक है. सच एज यूज केस, प्रोसेस फ्लो, ठीक है. अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा इनपुट ये है कि जनाब ये मीटिंग करने से पहले आप कोई SRS का सैंपल भेज चुके होंगे जो उसने अप्रूव किया होगा, तो उसमें जो भी प्रोसेस है वो आप यूज कर रहे होंगे. अब यहाँ सिर्फ बता रहे होंगे कि हम ये क्यों यूज करते हैं, ठीक है. तो अगर आप किसी भी चीज की फंक्शनैलिटी लेना चाहते हैं तो फंक्शनैलिटी नंबर 1, 2, 3, तो फंक्शनैलिटी नंबर 1, 2, 3 इज नथिंग बट द यूज केसेस, ठीक है. तो वो आपको पता चल जाएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, तो आपको पता चल गया इसके अलावा कुछ नहीं है, नॉट द डिटेल ऑफ इट, लेकिन आप उसका नाम पता चल गया, फिर उसको मजीद ब्रेक कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है. तो उससे होता क्या है कि आप बेहतर रिक्वायरमेंट ले पाएंगे, कस्टमर को इंगेज कर पाएंगे, उसका माइंड जो है वो फोकस हो जाएगा जो कुछ आप पूछ रहे हैं. कोई ओपन सा क्वेश्चन नहीं है, वेरी स्पेसिफिक एंड क्लोज क्वेश्चन, ये देख लीजिए सही है कि नहीं है, उसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए. बट दैट्स हाउ यू डिफाइन यूज केस. में क्या होता है, एक बाउंड्री होती है और फंक्शनैलिटी होती है और कर होता है, ठीक है. प्रोसेस फ्लो, ये हमने किसी लेक्चर में पढ़ा था, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट रोटेशन BPMN, थोड़ा सा सीख लीजिए. ये समझिए फ्लो चार्ट का एक्सटेंशन है. फ्लो चार्ट में रोल नहीं होते हैं या एक्टर्स नहीं होते हैं, तो इसके अंदर स्विम लेन होती है, ठीक है. तो ये इंडस्ट्री में पॉपुलर होता जा रहा है, बनाना आसान हो गया है, टूल्स आ गए, ठीक है. विजियो अगर आपने यूज किया हो तो विजियो के अंदर भी BPMN बना सकते हैं आप, ठीक है. फिर थोड़ा सा बता देंगे आप रिक्वायरमेंट कैसे लेंगे और फिर उसके बाद कैसे सेंड करेंगे और फिर रिव्यू कैसे होगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल हम मीटिंग करेंगे और मैं डॉक्यूमेंट बना के आपको विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स आपको वर्ड फॉर्मेट में भेजूंगा, आप उसको रिव्यू करके फौरन भेज देंगे और जब ये एग्री हो जाएगा तो इसको वर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि वो चेंज ना हो सके और उसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में डाल देंगे, ठीक है ना. तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यानी लॉक कर लेंगे उसको, ठीक है ना. चेक इन एंड चेकआउट जैसे होता है डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को चेक इन कर देंगे, ठीक है, फ्रीज कर देंगे. तो ये सारे कंट्रोल्स हैं जिससे आपकी गलत वर्जन पे काम नहीं कर रहे, सारे लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है. तो यू आर वर्किंग इन ए टीम, ठीक है. चलिए एक गुड नोट्स. गुड नोट से पहले गुड नोट तब ले पाएंगे जब आप अच्छे लिसनर होंगे, फोकस कर रहे होंगे और आपका प्रोसेसर जो है ना वो
पुराना वाला नहीं होगा, ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी नया है और प्रोसेसर भी नया है, ठीक है, तो आप बहुत फोकस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप प्रोसेसर नहीं चल रहा है तो फिर आप चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो चीज़ों को अच्छी तरह से सुनना, तवज्जो देना और नोट्स लेना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाए तो बहुत सारी चीजें मिस करेंगे। कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, तो आप रिपीट करवा दीजिए, आपकी बात का ये मतलब है, आप ये तो नहीं कह रहे, ठीक है, और फिर उसको नोट डाउन करिए, ठीक है। और एक अच्छी बात ये है कि जब आप वो उसका मुकम्मल हो जाए जुमला, तो उसके बाद आप रिपीट कीजिए, देखिए आपने ये बात कही है, कोई चीज मिस तो नहीं कही, ठीक है ना। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि जब आप मीटिंग से उठे हैं तो आप बहुत ही एक्यूरेट नोट हो। एक्यूरेट का मतलब है कोई इसमें अजम्पशन ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो कि कहीं कुछ और है, लिख कुछ और दिया, ठीक है। तो आप उससे बोलेंगे, पूछेंगे, यही कहा है ना आपने, लिखने के बाद मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं पूछता हूँ कि देखना आप मैंने ये लिखा है, इज दैट करेक्ट, वो कहते हैं सही है, अगर सही नहीं होता तो बता देते हैं, ठीक है। सेशन नोटेड शुड कंटेन द अटेंडी लिस्ट, कितने लोग आए थे, फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों को बुलाया था, 8 लोग आए थे, तो 8 लोगों में से 2 लोग जो नहीं आए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिजी लोग हैं, तो फिर आपको जो डॉक्यूमेंट बनाया उनको भेज देना चाहिए कि भाई आप नहीं आए थे, जरा देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो इसको हेड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी मीटिंग होगी, जैसे आप लोगों की सेक्शन 11 है ना FIB में, मीटिंग हो रही है रिक्वायरमेंट लेने की या सुपरवाइजर से, तो वो वाली चीज, तो अटेंडी कितने थे, कौन मिस था, ठीक है, उसमें डिस्कशन जो होता है ना, उसमें डिस्कशन में लिखा जाता है एक्शंस मेड, कौन करेगा, कब करेगा, ये एक पूरा फॉर्मेट है उसका, मिनट्स का, ठीक है, एक्शन कौन से हुए और हु इज रिस्पॉन्सिबल, काम तो करेगा लेकिन कौन करेगा, ठीक है। तो काम, एक्शंस, रिस्पॉन्सिबल और डेट्स भी होती है, किस तारीख तक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट होता है इनमें 3 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक्शंस, हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड द डेट, क्यों अगली मीटिंग में हम देखेंगे ना ये काम हो गया या नहीं हो गया। तो मीटिंग इज कॉल्ड फॉर ए रीजन, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। मीटिंग ऐसे ही नहीं होती है चाय पीना है बिस्किट खाने, मीटिंग इज कॉल्ड फॉर ए रीजन, उसका एजेंडा होता है, उस एजेंडा में टाइम होता है, तो वो फिर बात करते हैं क्या रह गया था, इशू कैसे सॉल्व हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये आपको पार्लियामेंटेरियन एक्टिविटीज कराती हैं, तो ये आपको डिसिप्लिन सिखाती हैं, आपको फोकस कराना सिखाती हैं, ठीक है। बी ए समटाइम होल्ड फैसिलिटेटेड इलेक्शन एलिसिटेशन सेशन विदाउट अ डेडिकेटेड स्क्राइब, अभी डेडिकेटेड स्क्राइब का मतलब है कोई आपको लिखने वाला नहीं मिलेगा, जो नॉर्मली होता है कि 2 लोग होते हैं, एक खड़ा हो जाता है बोर्ड पे या एक बोलता जाता है, सवाल करता है, दूसरा उसको नोट करता जाता है और पूछते जाता है तुमने ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया। तो अगर ऐसा नहीं है तो यू कैन ऑल्सो यूज व्हाइट बोर्ड एंड फोटोग्राफ, जो कुछ आपने बोला है बोर्ड पे लिखा है उसके आप फोटोग्राफ लेते जाए, ठीक है। ये एक आपको एक मशवरा दे रहा है, डू नॉट ट्राई टू कैप्चर डायग्राम्स इन कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। समझ में आ गया, बोर्ड पे बना दिया, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना होता है ना डायग्राम, तो ये खूबसूरती के लिए थोड़ी बनाना होता है, ठीक है। फिर एक्सप्लॉइट द फिजिकल स्पेस, मोस्ट रूम है 4 वॉल्स, सो यूज देम ड्यूरिंग द फैसिलिटेशन टू ड्रॉ डायग्राम्स, क्रिएट लिस्ट, ठीक है। अगर व्हाइट बोर्ड है, अगर व्हाइट बोर्ड नहीं है तो छोटे छोटे बोर्ड्स आते हैं या व्हाइट शीट्स आती हैं, वो लगा लीजिए, ठीक है, स्टिकी नोट्स लगा लीजिए। अब ये सारी चीजें टक टक इंफॉर्मेशन लेते जाइए। इनवाइट अदर पार्टिसिपेंट टू गेट आउट, गेट अप एंड कंट्रीब्यूट टू द वॉल्स, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा जैसे खाली बातें नहीं, उठ के एक माहौल सा बना लेना और सारा कुछ कर लेना, ये जाइल के अंदर बहुत होता है, वाटरफॉल में नहीं होगा। इजराइल के अंदर आप पूरे हॉल में बैठे हुए, माहौल बना हुआ है, तो आप लोगों से भी कहते हैं आप भी लिख लीजिए, सारी चीजें कर लीजिए, ठीक है। तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जनाब। तो हम चलते हैं 3rd पार्ट पे, कि जब हमने रिक्वायरमेंट ले ली है, नोट्स ले लिए हैं, सारी चीजें नोट कर ली हैं, अब ऑफिस जाके या घर जाके आप उसको
ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अब आप ना उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, अब आपको उन डॉक्यूमेंट्स को क्लब करना चाहिए इनटू सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये वाला यहाँ जाएगा, ये रिक्वायरमेंट यहाँ जाएगी, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो फौरन शेयर करेंगे कि देखिए इसमें ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है, देखिए ये मैंने मॉडल डायग्राम बनाया, ये सही है कि नहीं है, तो जो हमने देखा था डायग्राम के एलिसिटेशन एंड देन एनालिसिस एंड देन, तो वो सर्किल वाली बात दोबारा से जाएगी, फिर से आप पूछ लेंगे, ठीक है, जब तक आपकी समझ में ना आ जाए। तो डॉक्यूमेंट ओपन इश्यूज, जब आपने रिक्वायरमेंट लिए थे और आपने लिख दिया था कि ये अभी क्लोज नहीं है, कोई चीज उसको खुद नहीं बताती तो बताएगा नहीं, जब पूछ के बताएगा या पढ़ के बताएगा तो आप लिख मार्क कर लेते हैं किसी तरह से, ठीक है। तो नॉर्मली व्हाट आई डू, जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, टू बी डिफाइन, लिख के बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं, हम ये नोटेशन लिख देते हैं किसी भी चीज के आगे, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये चीज कंप्लीट नहीं है, ओपन है वो, तो जो जहां पर ये लिखा हुआ है टू बी डिफाइंड, मुकम्मल करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, उन आइटम्स को जो हमारे पास लिखे हुए उसमें फिर हम पूछ लेंगे उनसे कि भाई ये तो रह गया था जरा बता दीजिए, ठीक है। तो आपको ये अभी सारी शॉर्ट फॉर्म्स एब्रिविएशन ये आप जल्दी जल्दी सीख जाएंगे आपके दिमाग में। फिर दोबारा से जब साइकिल चलाता तो there were some new information gathered, तो उसको कहाँ डालना है, उसको भी ऑर्गेनाइज करना है, तो ये सारे काम आप, क्योंकि आपने एक बातें हो गई, आपने एक स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाना है मॉड्यूल वाइज, फंक्शनैलिटी वाइज, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज, तो ये उनको ऑर्गेनाइज करना है, प्रायोरिटी के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है, मॉड्यूल के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, उसमें कोई ओपन इशू ना हो, वो सारे कंप्लीट हो, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई एम्बिगिटी ना हो, अगर आपके पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो आप फौरन पूछेंगे कि ये इसका क्या मतलब है, मॉडल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। रिव्यू एंड अपडेट योर नोट्स सून आफ्टर द सेशन, जैसी खत्म हो उसको आप रिव्यू कर लें, कोई वैसे तो उठने से पहले आप उनसे पूछ लें, रिव्यू करवा लें, देखिए मैंने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है, ये 5 पॉइंट में ये बातें, और खास तौर पर जिस पे कंफ्यूजन है तो फौरन ही पूछ लीजिए, क्योंकि अभी फ्रेश होगा ना, अभी जो आपका डिस्कशन हुआ है, इसको एक दिन बाद करेंगे तो फिर आधी चीजें तो वैसे ही आपके जहन से निकल जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज मेक अ प्रैक्टिस के हम आप या तो खत्म होने के बाद 5 मिनट ले लीजिए या खत्म होने से पहले ही ले लीजिए कि भाई मैं वक्त खत्म हो रहा है और मैं 5 मिनट जरा रिवाइज करना चाहता हूँ कि हमारे डिस्कशन में ये बातें हुई हैं आज, ठीक है, सो दैट, ठीक है, ताकि वो ये प्रैक्टिस बना लीजिए। ठीक है, सून आफ्टर ईच इंटरव्यू शेयर द कंसोलिडेट नोट्स, जो आप बना लेंगे फिर आप शेयर करेंगे, ये आपने पहले उसको बता दिया था कि मैं बनाने के बाद आपको भेज दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर, आप उसको रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू में क्या देखेंगे आप, जनाब ये देखेंगे कि जो कुछ मैंने बात लिखी वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है, कोई चीज मिस तो नहीं कर दी मैंने या मैंने कोई चीज गलत तो नहीं बना दी, तो ये आप उसको दिखा रहे हैं और उसका रिव्यू ले रहे हैं, इसका ओपिनियन ले रहे हैं, ठीक है। किस लिए ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि अगर ये रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा भी चैलेंज है तो सारा डिजाइन डेवलपमेंट सब इसकी बेसिस पे हो रहा है, ठीक है, तो इसकी गलती फिर आगे तक चली जाएगी जिसको करेक्ट करने में बहुत कॉस्ट लगेगी, तो इस वाले स्टेप को सही होना जरूरी है, रिव्यू होना जरूरी है, रिक्वायरमेंट को कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, रिक्वायरमेंट में एम्बिगिटी ना हो, कोई फिल्टरेशन ना हो, कोई इनएक्यूरेसी ना हो, ठीक है, तो वी आर मेकिंग श्योर, तो ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड बन गई है, ठीक है। ऑर्गेनाइज एंड शेयर योर नोट्स अर्ली रिव्यू, अब जितनी जल्दी आप रिव्यू कर लेते हैं, अभी बताया ना कि मीटिंग से उठने से फौरन बात कर लें, तो अर्ली रिव्यूज इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। पीपल हु सप्लाइड द रिक्वायरमेंट कैन जज वेदर दे कैप्चर करेक्टली, तो जिन लोगों ने रिक्वायरमेंट दी थी उनसे शेयर कर लें, उनको भेज दीजिए, ठीक है, जिसको हम रिव्यू कहते हैं या वैलिडेशन कहते हैं।
hold additional discussion to resolve an inconsistencies. ये बहुत important है. कोई चीज सही नहीं है तो वहीं रोकिए और आगे नहीं जाइए. ठीक है? Consider sharing the consolidated notes with other project stakeholder who were not present. ये एक बहुत important बात है. जैसे मैं बताया ना कि अभी 10 लोगों को बुलाया था या 5 लोगों को बुलाया था, उनमें से 3 लोग नहीं आए थे या 2 लोग नहीं आए थे, because of they were very busy, they were very knowledgeable. तो उनको भेजना और उनको दिखाना बहुत जरूरी है, बल्कि उनके पास चले जाइए और उनको बता दीजिए. तो फ्लैग एनी इश्यूज, यानी अभी जो कुछ बातें हैं उसमें अभी कर लीजिए, ताजा ताजा है उसमें. तो दिस मेक्स योर रिक्वायरमेंट्स मच बेटर, रिजॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है? ठीक है. फिर ये वो ओपन इश्यूज जो मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट ओपन इश्यूज ड्यूरिंग द इलस्ट्रेशन एक्टिविटीज. You might have encountered item that need to be further explored. इसको मैं देख के बताऊंगा या मैं पूछ के बताऊंगा बॉस से या जो भी है. तो अब इसको नोट कर लेते हैं कि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ. And you have to identify, you know, more detail. ठीक है? Examine any parking lot from the illustration session. तो parking lot क्या होती है? Parking lot क्या होती है भाई? Parking lot ये होती है कि आप जो मेन डिस्कशन है उससे हटके एक खाना सा बना देते हैं और वहां पर डालते जाते हैं इंफॉर्मेशन और फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं. पार्किंग लॉट में इसलिए डालते हैं, आप कहते हैं ये मेन डिस्कशन नहीं है, ये सब डिस्कशन है. ठीक है? या कोई चीज गलत है या कोई चीज स्टिल ओपन है या कोई और चीज है. नॉर्मली व्हाट आई डू, पार्किंग लॉट में बना देता हूँ बोर्ड पे, उसमें मैं क्या करता हूँ, जो चीज स्कोप में नहीं होती है वो डाल देता हूँ. ठीक है? और स्टिल ओपन को फिर हम टी टू बी डिफाइन लिख लेते हैं. ठीक है ना? अभी कितने इश्यूज थे, कौन कौन सी चीजें नहीं हुई थी, तो इश्यू ट्रैकिंग टूल्स होते हैं. ठीक है? तो ये आपको यूज कर लेना चाहिए सॉफ्टवेयर, नहीं तो फिर आप नोट कर लीजिए. छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो आप खुद ही नोट कर लेंगे. ये बात है जहाँ हजारों रिक्वायरमेंट्स हैं और आप किसी को देख भी नहीं रहे हैं और बराबर वाला क्या कर रहा है, तो फिर आप रिकॉर्ड कर लेते हैं. ठीक है? तो टूल्स आते हैं इसमें, आप इश्यूज को टिकट कर लेते हैं. ठीक है? तो क्या करते हैं, आप रेलिवेंट नोट्स ले लेते हैं, ओनर कौन है, उसकी ड्यू डेट क्या है. ठीक है? तो ये है, अगर आपने देखा हो तो आप ये कुछ लिखे हुए हैं. ट्रैक के नाम से एक टूल है, गिटहब का बोर्ड, एक बड़ा सा स्क्रीन आ जाता है वो है. ठीक है? तो ये डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग टीम नॉर्मली यूज करती है. ठीक है? मैंने ये टूल यूज नहीं किया, मैंने मेंटिस यूज किया है. हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में मेंटिस यूज होता था. ठीक है? उसमें ट्रैकिंग कर देते थे, बग्स की ट्रैकिंग कर देते थे. बग्स कहते हैं, इश्यूज कहते हैं, एक ही बात है. ठीक है? तो अब चीजों को बहुत ऑटोमेट किया जा रहा है ताकि आप जल्दी जल्दी काम कर सकें, भूले ना ये ना चीजें. ठीक है? तो यहाँ तक कोई सवाल अभी तक? डियर स्टूडेंट्स, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है? इसकी डेप्थ समझ में आ रही है कि एक गवर्नमेंट इंजीनियर कितनी डेप्थ में तैयारी करके जाता है, सवाल पूछता है और एक पूरा प्लान बना के जाता है कि वापस आने के बाद क्या करूंगा, चीजों को करें. तो डू यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट? इट इज नॉट सिंपल, क्योंकि आप एक आर्किटेक्ट हैं अच्छे सॉफ्टवेयर के. अगर आपने ये चीजें सही नहीं ली तो पूरा प्रोजेक्ट वैसे ही जो है ना वो सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि वो जो कुछ बनाना है वही क्लियर नहीं है, जो कुछ रिक्वायरमेंट है वही 50-60-70% है. तो प्रॉब्ली 30% तो आपने वैसे ही फिल्टर कर लिया या जाया कर लिया या सारा कुछ कर लिया. ठीक है? ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? कोई चैलेंज, कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है, चलिए. अच्छा, आज अच्छी बात यह है कि आज हमें टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है. ये मैंने पेड वर्जन मेरा है तो अब ये आपको बाहर नहीं निकालेगा, विल कंटिन्यू. ठीक है? चलिए हम आगे चलते हैं. ये ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? ऑर्गेनाइज ऐसे करते हैं कि आप 9 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप देख लेते हैं कि भाई, ठीक है ना? तो जो आपको कागज पे लिख के ले जाएं या फिर आपको याद रहना चाहिए, थोड़े दिन में आपको याद हो जाता है कि ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है, ये यूजर रिक्वायरमेंट है और फिर ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, या ये तो दोनों में से नहीं है, ये तो मैंडेटरी रूल अप्लाई हो रहा है. ठीक है? तो इन 3-4 चीजों से क्या हो रहा है, सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. ठीक है? ये तो डेटा है,
और ये तो लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो ये 7 कैटेगरी 9 कैटेगरीज में, तो जब भी आप इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो उसको अलग अलग करते जाएं। एनालिस्ट मस्ट क्लासिफाई द काउंटलेस बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो बता रहा होगा, उस बेचारे को तो पता नहीं है ना कि ये क्या चीज है, ये नॉलेज एट्रीब्यूट का रिक्वायरमेंट एट्रीब्यूट है या डेटा है या क्या है, ठीक है। तो ड्यूरिंग इलस्ट्रेशन एक्टिविटीज मेक क्विक नोटेशन इन योर नोट्स इफ डिटेक्ट द सेम सम बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन, इसने एग्जांपल लिखी हुई है कि राइट डीडी इन द डेटा डेफिनेशन, जैसे है ना डेटा रिक्वायरमेंट, तो डीडी लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे। तो एक्चुअली आप क्या करें, ऑर्गेनाइज एंड क्लासीफाई करें, ठीक है ना, क्योंकि आपको बहुत सारी 2 घंटों में बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, सवाल पूछे होंगे आपने, ठीक है। लोगों को याद है बिजनेस रूल क्या होता है, यूजर रिक्वायरमेंट क्या होती है, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये तो याद होगा ना, बिजनेस यूजर एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये तो कम से कम याद होना ही चाहिए। भाई लोग याद है या कि नहीं याद है? याद है, चलिए तो आगे चलते हैं, ठीक है। अभी तक कोई सवाल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रही है बातें, ठीक है। Anything that does not fit into one of the categories might be, अभी उसने बताया कि ये तो या तो related नहीं होगा, या तो cost और schedule की बातें होंगी, या ये होगा, पढ़ लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर पीछे लेके जा रहा हूँ आपको, ताकि याद आ जाए आपको कि देखिए ये 9 कैटेगरीज हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट एंड देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इन तीनों से ट्रेस करते हैं आप सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इन वन ऑफ दोस कैटेगरीज फॉल होगी, अगर ये नहीं है फिर कह रहा है वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सॉफ्टवेयर देने के बाद यूजर को ट्रेनिंग भी देनी है, तो ट्रेनिंग है एक रिक्वायरमेंट है बट नॉट फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो एक अलग से रिक्वायरमेंट है। या फिर यू आर टॉकिंग अबाउट कि जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, तो दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, दिस इज अ प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशन, ठीक है। तो इसी तरह से ही है। तो आखिरी वाली चीज है कि कोई ऐसी चीज है जो बताई तो जा रही है और ये भी बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव से, अलाइन नहीं है वो। तो आप कह रहे हैं हाँ ये ठीक है, आपकी जरूरत होगी, लेकिन बहरहाल हमारे प्रोजेक्ट में भी नहीं है और हमारे बिजनेस से अलाइन नहीं होती है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए ये तो यहाँ तक खत्म हो गई, तो मैं अटेंडेंस ले लूं और किसी को कोई सवाल है तो मुझे जी अटेंडेंस बोलते जाएंगे। अस्मा अब्दुल लतीफ, अस्मा सर, अस्मा प्रेजेंट है, उनका मैसेज आया था, उनका माइक नहीं चल रहा। अच्छा, उनका माइक नहीं चल रहा, ठीक है। चलिए मोहम्मद अब्दुल्ला नैयर अहमद प्रेजेंट सर। अच्छा बस एक इन्फॉर्मेशन है कि कल शायद गजट हॉलीडे है, तो जिन जिन उनकी क्लास है तो कल नहीं होगी, तो मैं कल से बी सेक्शन वालों को बस ये चेयरमैन साहब की तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि जो टुमारो विल नॉट बी एनी क्लास। जिन सर हैं, चलिए मोहम्मद काशान अली काशान, उनका माइक नहीं चल रहा। अच्छा उनका माइक नहीं चल रहा। शहजाद अली, शहजाद सैफ अली खान, यस सर जी, ताबिश अली, हेलो सर। अच्छा मैं इधर आपकी जवाद अली, ये किसी की इको आ रही है, जवाद प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर जी, अली अनवर प्रेजेंट, तलहा आरिफ प्रेजेंट, अजहर
अथर आजम साद बिदानी साद आमना फहीम प्रेजेंट सर असद हाशमी मोहम्मद हसनैन शहरियार हसन अरबाज खान अरबाज नहीं उमर खान प्रेजेंट सर जी उमर शामिर खान सैयद फारूक माजिद प्रेजेंट सर फारूक हैं यस सर एमन मुकरम एमन सर फारूक माजिद प्रेजेंट सर फारूक माजिद प्रेजेंट है ठीक है शेख अब्दुल्ला नासिर अब्दुल्ला सर मैसेज लगा मैं इसका प्रेजेंट है ठीक है ओएस रजा प्रेजेंट सर मोहम्मद शाहरुख शाहरुख नहीं मुबशिर ताहिर मुबशिर मोइनुल हसन नजर तो आ रहे हैं अवैसुर रहमान प्रेजेंट अब्दुल वहाब प्रेजेंट सर हाफिज मोहम्मद वकास हाफिज मोहम्मद वकास हसन यूसुफ प्रेजेंट सर शेरियार अली शेरियार चलिए असद का भी मैसेज लगा हुआ अच्छा शेरियार का मैसेज आया हुआ चलिए नहीं असद का असद हाशमी असद अच्छा मैं दोबारा से कर देता हूँ मुझे जिसका रह गया उसका नाम कॉल कर लेता हूँ ठीक है मोहम्मद अब्दुल्ला साद अली साद बिदानी असद का कह रहे हैं आप असद का लगा दिया मोहम्मद हसनैन और अरबाज खान शामिर खान एमन मुकर्रम शाहरुख और मोहम्मद वकास ठीक है चलिए इसको बंद कर लेते हो गया अटेंडेंस ठीक है चलिए अब जरा मुझे थोड़ा सा बता दें आपके प्रोजेक्ट्स का एफआईपी का क्या हाल है मैं रिकॉर्ड